हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्यूटोरियल। आज है 11 जून 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन हुज डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। हाल ही में किस दिन को विश्व मस्तिष्क के ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है जून 3, जून 5, जून 7, जून 8। और इसका आंसर होगा जून 8। जून 8 इज एनुअली सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ग्लोबली। 8 जून को विश्व भर में ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द ड्यूचेस हिलिंग ट्यूमर लाइफ जर्मन ब्रेन ट्यूमर एड इन 2000 टू पे रेस्पेक्ट टू ऑल द ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। इसे डच हिरिट ट्यूमर लिप जर्मन ब्रेन द्वारा मनाया जाता है और ये 2 साल से मनाया जाता है। और ये दिन उस ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स एंड उसके परिवार को रेस्पेक्ट देने के लिए ये मनाया जाता है। द ग्रे रिबन इज द इंटरनेशनल सिंबल फॉर द सॉलिडारिटी विद ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स। और ग्रे रिबन जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स के प्रतीक है और प्रतीक है। द डे एम्स टू इम्प्रूव द केयर फॉर द पेशेंट्स एंड टू एडुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट द सफरिंग एंड सीरियसनेस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। और इस दिन का उद्देश्य रोगियों का देखभाल में सुधार करना और आम जनता के दुख और गंभीरता के बारे में शिक्षित करना। आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट स्टार्ट्स थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव। हाल ही में किस राज्य ने थैंक मॉम करके एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किए? और इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज स्टार्टेड ए प्लांटेशन ड्राइव नेम्ड थैंक मॉम ऑन द प्रीमिसेस ऑफ इट्स सोशल जस्टिस एंड डिसेबल वेलफेयर डायरेक्टोरेट ऑन एनवायरमेंट डे। मध्य प्रदेश ने एक धन्यवाद माँ करके एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया इसके द्वारा, और ये पर्यावरण दिवस के दिन शुरू किया उसके सोशल जस्टिस एंड विकलांग वेलफेयर डायरेक्टोरेट वेबसाइट पे। ऑन द थीम टाइम फॉर नेचर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स टू फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द स्टेट। प्रकृति के लिए समय विषय पे ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों को आयोजन सभी जिलों में किया गया था राज्य भर में सभी विविधता के साथ। एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कमिश्नर रेणु तिवारी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स सच एज नीम, गुआवा, मैंगो, मूनलाइट, पारिजात एंड तुलसी आर प्लांट विद द प्लेट इन द नेम ऑफ इच एम्प्लॉइज मदर। आयुक्त रेणु तिवारी के निर्देशन अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के नाम पर विचित्र प्रकार का पौधा जैसे कि नीम, गुआवा, आम, चांदनी, पारिजात और तुलसी के गाछ लगाया जाएगा प्रत्येक कर्मचारी के माँ के नाम पर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड अर्बन स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर प्रोग्राम। हाल ही में किस राज्य ने अर्बन स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया? इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑन 6 जून 2020 शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्च्ड अर्बन स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम। 6 जून 2020 को शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उसने ये अर्बन स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम लॉन्च किया। इन द करेंट सिचुएशन फॉर डेवलपमेंट पर्पज द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड ₹1,555 करोड़ टू 22,800 ग्राम पंचायत। वर्तमान स्थिति में विकास के उद्देश्य के लिए सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1,555 करोड़ रुपए प्रदान किया। और इसका वेबसाइट है www.mpurban.gov.in। अबाउट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का गवर्नर लालजी टंडन और इसका चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसका कैपिटल है भोपाल। आज का 14 क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड राजकुशल पोर्टल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाल ही में किस राज्य ने राजकुशल करके एक पोर्टल लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा? और इसका ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, पंजाब और केरला।
और इसका आंसर होगा राजस्थान। ऑन June 5, 2020 राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत लॉन्च द ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राजकुशल पोर्टल। 5 जून 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन श्रमिक रोजगार की शुरुआत की है और इसका नाम दिया गया राजकुशल पोर्टल। इट वॉज डेवलप्ड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और ये सूचना विभाग और के द्वारा की गई थी और प्रयोग और राजस्थान कौशल और आजीविका डेवलपमेंट के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई है। इट एम्स टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड एश्योर अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन हु आर अवेलेबल टू वर्क इन इंडस्ट्रीज दैट फेस अ लेबर शॉर्टेज। और इसका उद्देश्य दूसरे से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करना है, राज्य और बेरोजगार व्यक्तियों को आश्वस्त करना है जो उपलब्ध है उन्हें उपयोग में काम जो भी उपलब्ध है उन्हें उद्योग में काम करना जो एक श्रमिक कभी का सामना कर सकते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। हाल ही में किसको इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया स्विट्जरलैंड में। इसका ऑप्शन है नीरज कुमार, मोनिका मोहता, एनके सिंह और नानक दीज। और इसका आंसर होगा मोनिका मोहता। मोनिका कपिल मेहता हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड। कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सॉरी, सी इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्वीडन। वो अभी स्वीडन में इंडिया का राजदूत के रूप में नियुक्त किए। सी इज एन IFS ऑफिसर ऑफ 1985 बैच। वो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है 1985 साल के बैच में। सी विल रिप्लेस CB जॉर्ज एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड। वो CB जॉर्ज को रिप्लेस करने वाले हैं जो स्विट्जरलैंड में अभी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त है। आज का 6वां क्वेश्चन है, हु हैज बीन लॉन्च्ड कोविड बीप मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर COVID-19 पेशेंट्स। COVID-19 रोगियों के लिए कोविड बीप मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च की है। इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और नानक दीज। और इसका आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड कोविड बीप ऐप, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फैसिलिटेटेड फॉर COVID-19 अफेक्टेड पेशेंट्स। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी वायरलेस कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है COVID-19 प्रभावित रोगियों के लिए निगरानी प्रणाली के सुविधा के लिए। कोविड बीप स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ECESIC पॉड। कोविड बीप के उद्देश्य सतत ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन फ्लो करना और वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन लाइक ECIL और ECIC पॉड के द्वारा। इट वॉज डेवलप्ड बाई एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद इन कोलाबोरेशन विद IIT हैदराबाद एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विकसित की गई थी और थी IIT हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली गिव्स स्टेट एंथम स्टेटस टू वंदे उत्कल जननी। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। और इसका ऑप्शन है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और पंजाब। और इसका ऑन 8 जून 2020 द कैबिनेट ऑफ ओडिशा चेयर्ड बाय नवीन पटनायक द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा अप्रूव द प्रपोजल टू गिव द स्टेटस ऑफ स्टेट एंथम टू वंदे उत्कल जननी। और 8 जून 2020 को ओडिशा के जो मंत्रिमंडल है जो जिसका प्रतिनिधित्व करता है नवीन पटनायक ने, उसने ये
वंदे उत्कल जननी को राज्य गण का दर्जा दिया। इट वॉज रिटन बाय द कंट कवि लक्ष्मीकांत मोहपात्र इन 1912 और ये गान लिखा था 1912 साल में कंट कवि लक्ष्मीकांत मोहपात्र ने। द सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरी एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ उड़ीसा और ये उड़ीसा के जो भी नेचुरल ब्यूटी है और जो भी ग्लोरी है उसको दर्शाता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दाइन थैंक यू।